our chapter 5 of class 12 in NCERT politics, that is contemporary world politics, and our chapter 5 name is contemporary south asia. So pichla jo chapter tha usme humne padha tha alternative powers of alternative centers of powers. So abhi humne usme china aur india ke relation dekhe, kis tarah se china jo hai ek ग्रोइंग इकोनॉमी था, बट मैंने आपको प्रेजेंट कंडीशन ही बताई थी कि ये अब एक स्टैग्नेंट हो चुका है. सो इंडिया जो है वो फास्टेस्ट डेवलपिंग इकोनॉमी कंट्री है. नाउ लेट्स सी साउथ एशिया. पहली बात तो ये साउथ एशिया में कौन कौन सी कंट्रीज आती है, हम पढ़ने क्या वाले हैं, इसमें ओवरव्यू आपको एक बार दे देती हूँ. साउथ एशिया में हम इन सभी कंट्रीज के बारे में पढ़ेंगे जो कि है टोटल 7, और इन टोटल 7 कंट्रीज में क्या डेमोक्रेटिक कंडीशन रही है, किस तरह का यहाँ का इनका पॉलिटिकल सिस्टम रहा है. आफ्टर दिस वी विल सी देयर रिलेशन विद इंडिया, इंडिया के साथ इनके कैसे रिलेशन है. सो लेट्स स्टार्ट. ओके, साउथ एशिया में अगर हम बात करें तो बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, ये जो कंट्री है वो एग्जिस्ट करती है. यहाँ पे सभी कंट्रीज में पॉलिटिकल सिस्टम जो है इवॉल्व हुआ, और कहीं पे डेमोक्रेसी रही, कई सारी ऐसी कंट्री हैं जिन्होंने जो है मिलिट्री रूल भी रहा, सच एज पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, एंड फाइनली इन्होंने डेमोक्रेसी जो है रिस्टोर कर ली. बट कई सारी ऐसी कंट्रीज भी हैं जहाँ पे डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है वो अनस्टेबल रही, इट मीन्स दैट वो कहीं ना कहीं स्टेबल नहीं हो पाई. सो आप ये भी सोच सकते हैं कि साउथ एशिया में हमने म्यांमार और चाइना को क्यों नहीं मिलाया, क्योंकि दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री हैं. बट ये प्ले तो रोल प्ले करती है, इंपॉर्टेंट रोल, बट इनको हम साउथ एशियन कंट्रीज में जो है वो काउंट नहीं करते हैं. सो यू नीड टू कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड कि ये कंट्रीज यहाँ पे नहीं आएंगी. सो लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड वन, दैट इज द मिलिट्री एंड डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान. सो हम पाकिस्तान की कंडीशन देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ. देखिए जो हेडलाइन है ना, मतलब जो आपका टाइटल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अगर आप इनको मिस करते हो, इट मीन्स जो आपकी एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की, आपको उसको फिल करने में भी प्रॉब्लम होगी. अगर आपने ये चीजें देख ली तो फिर आपको उसको फिल करने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी. मिलिट्री एंड डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान. पाकिस्तान इंडिया से कब अलग हुआ, 1947 में. अब अलग होने के बाद इंडिया तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया, और ये बहुत ही अच्छी बात है कि इंडिया में आज भी डेमोक्रेसी है. कहीं पे भी ऐसा नहीं आया कि हमने मिलिट्री टर्मोइल जो है वो सहा हो, ऐसा कुछ नहीं है. जब से जो है अच्छी खासी गवर्नमेंट है, लोग खुद इलेक्ट करते हैं, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आई 1947 के बाद. यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जैसे ही ये आज़ाद होता है, जनरल अयूब खान थे. यहाँ पे इलेक्शन नहीं होते, अभी यहाँ पे मिलिट्री रूल है. जनरल अयूब खान रहते हैं. जनरल अयूब खान के बाद जो है जनरल यहया खान आते हैं, और यहया खान जो है वो बांग्लादेश क्राइसिस के वक्त वहाँ के जनरल थे. इट मींस दैट यहाँ पे अभी कोई प्रेसिडेंट नहीं है, कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं है, हम केवल यहाँ पे जनरल की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मिलिट्री कूप जो है वो ज़्यादा एक्टिव थे. अब बांग्लादेश क्राइसिस के वक्त यहया खान थे, यानी कि 1971 की बात कर रहे हैं. उसके बाद इनको हटा दिया जाता है, क्योंकि लोग डिमांड करने लगते हैं दैट दे वांट इलेक्टेड गवर्नमेंट, दे वांट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. तो जुल्फिकर अली भुट्टो को जो है वो इलेक्ट किया जाता है, और ये जो है इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थी. इसके बाद जो है 1971 से लेकर 1977 तक ये यहाँ पे रहती है, जुल्फिकर अली भुट्टो. अब इनको जो है हटा दिया जाता है जस्ट बिकॉज फिर से जो है मिलिट्री का इंटरवेंशन इन अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और डेमोक्रेसी. वो नहीं चाहते थे कि भाई ये जो है, यानी कि कोई बाहरी आदमी आए, बाहरी आदमी से मतलब एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वो नहीं चाहते थे. वो चाहते थे कि भाई मिलिट्री वाली गवर्नमेंट हो, मिलिट्री का जो हेड है वो यहाँ पे गवर्नमेंट का हेड बन जाता है, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए. सो यहाँ पे फिर आ जाते हैं इनको हटा के, 7 साल ये यहाँ पे रहते हैं, फिर इनको हटा के आ जाते हैं जनरल जियाउल हक, जो कि 1977 में आते हैं. अब ये रहते तो हैं, बट 1982 के दौरान जो है यहाँ पे प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट शुरू हो जाती है. यानी पीपल वॉन्ट्स, यानी जो पाकिस्तान के लोग हैं वो चाहते थे कि यहाँ पे इलेक्टेड गवर्नमेंट आए. सो 1982 में बड़े जोरों शोरों से शुरू हो जाते हैं प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट. इसके बाद क्या होता है, जैसे जैसे जो 1988 में जो जनरल जियाउल हक है इनको हटा दिया जाता है, और फिर आ जाती है बेनजीर भुट्टो. बेनजीर भुट्टो आ जाती है 1988 से, और ये टिक जाती है 1999 तक.
यानी कि 19 से 99 तक। अब जब तक उस वक्त जो है वो वाजपेयी सरकार थी इंडिया में, ये इस तरह से डॉट्स कनेक्ट किया करो ताकि आपको याद रहे कब क्या हुआ था। और आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं, जब इंडिया में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई, यानी कि कोलिशन गवर्नमेंट का जो एरा आया, हम पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं कहेंगे इसको, हम कोलिशन एरा कहेंगे जो कि 1989 में आया। फिर उसी वक्त जो है यहाँ बेनजीर भुट्टो आई थी। अब जो है जनरल परवेज मुशर्रफ आते हैं और जो बेनजीर भुट्टो को हटा देते हैं, इनका जो है एसेसिनेशन जो है किया गया था यहाँ पे। अब इन्होंने क्या किया, बेनजीर भुट्टो को तो हटा ही दिया, फिर इस वक्त जो है यहाँ पे नवाज शरीफ है, नवाज शरीफ यहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे, इनको हटा के जनरल परवेज मुशर्रफ आ जाते हैं। अब देखिए इसमें आपको एक कार्टून मिलेगा जिसमें जनरल परवेज मुशर्रफ जो है वो मैथमेटिक्स करते हुए दिख रहा है। मैथमेटिक्स वो एक्चुअली क्या है, उस मैथमेटिक्स में बताया गया है कि अगर वो केवल जनरल रहते, ना तो जनरल है मान लो और ना ही वो प्राइम मिनिस्टर, इट मीन्स 0 = 0, 0 + 0 क्या आएगा, ऑब्वियसली 0 ही आएगा। मान लो वो जनरल है बट प्राइम मिनिस्टर नहीं है तो 1 आएगा, और मान लो वो जनरल भी है और प्राइम मिनिस्टर भी है, यानी कि इक्वल टू, आई डोंट नो वेदर यू गाइस कैन सी इट और नॉट, ओके आई कैन डू इट, 0 + 0 = 0, 1 + 0 = 1, एंड 1 + 1 = 2। इट मीन्स दैट अगर वो जनरल नहीं है, जनरल परवेज मुशर्रफ, ना ही वो प्राइम मिनिस्टर है, तो फिर 0, कुछ उनके पास पावर ही नहीं है। अब यहाँ पे वो मिलिट्री के जनरल है बट वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है, यानी कि 1, यानी कि उनके पास जो है कुछ पावर है। मान लो वही जो है जनरल है और वही प्राइम मिनिस्टर है तो यहाँ पे 2, यानी कि उनके पास डबल डबल पावर। और यही जो है इस कार्टून का मतलब है, कार्टून के मतलब आप कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करते जाया करो क्योंकि ये एग्जाम्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। सो दिस वॉज अबाउट पाकिस्तान। कुल मिलाकर पाकिस्तान में बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल गवर्नमेंट रही, जनरल आए, मिलिट्री कूप का शासन यहाँ पे ज्यादातर रहा। अब हम बात करें तो अभी जो है स्टेबल है, इमरान खान जो है यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, कहाँ के, पाकिस्तान के, यू नीड टू रिमेम्बर दिस। सो ये थी पाकिस्तान की कंडीशन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बांग्लादेश डेमोक्रेसी। बांग्लादेश में किस तरह से डेमोक्रेसी जो है वो स्टैब्लिश हुई, एक बात याद रखिएगा, पाकिस्तान में अभी भी अनस्टेबल ही है। यहाँ पे कब मिलिट्री का जनरल प्राइम मिनिस्टर को हटा दे कुछ नहीं कह सकते हैं। और हाँ, हर एक नॉन डेमोक्रेटिक जो कंट्री रहती है ना, तो वहाँ का जो जनरल होता है और जो किंग हो, मान लो मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो वो क्या करते हैं, अपने आप को इलेक्ट करवाते हैं, पता है कि भाई उन्हीं को जीतना है बट करवाते हैं फील लेने के लिए। मान लो आपके पेरेंट्स, आपकी मम्मी ने आपको बहुत सारा काम दे दिया, बहुत सारा, आपके स्कूल टीचर ने आपको बहुत सारा काम दे दिया, होमवर्क दे दिया, एंड दे स्टार्टेड टू पैम्पर यू, दैट उन्होंने क्या किया, एक चॉकलेट आपको दे दिया, उन्होंने आपको क्लास मॉनिटर बना दिया, क्लास मॉनिटर के बदले बहुत सारा काम दे दिया। सो ये क्या हुआ, लालच दे दिया कि भाई तुम मॉनिटर हो, उल्टा काम और थोप दिया। सो यहाँ पे ये क्या करते हैं, अब जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं। देखो भाई, हम डेमोक्रेटिकली आए हैं, हालांकि जीतना इन्हीं को है, सब कुछ प्री प्लान रहता है इनका। बांग्लादेश डेमोक्रेसी, सो यू नो दैट पाकिस्तान जो है इंडिया से 1947 में अलग हुआ था, और जो बांग्लादेश है ये अलग हुआ था कब, 1971 में, यानी कि इसको आप कह सकते हैं ईस्ट पाकिस्तान था और ये वेस्ट पाकिस्तान। 1971 के बाद जो है इसको पाकिस्तान और इसको बांग्लादेश करार दिया गया। हम बात करते हैं शेख मुजीब, शेख मुजीब उर रहमान, वामी लीग के थे। शेख मुजीब उर रहमान क्या होता है, 1971 में इलेक्शन होते हैं, देखिए जुल्फिकार अली भुट्टो एंड शेख मुजीब उर रहमान। अब ये जो थे वो वेस्ट पाकिस्तान से थे, ये जो थे वो ईस्ट पाकिस्तान से थे। तो जो मेजॉरिटी आती है ना पूरी ईस्ट और वेस्ट की, वो आती है शेख मुजीब उर रहमान के फेवर में, जो कि अवामी लीग से
थे, अब क्वामी लीग से थे, इसकी वजह से अब इनको ज्यादा पॉपुलर हो गई है, मतलब इनकी सरकार बनती है, लेकिन ये जो है वो बनाने नहीं देते हैं और कहते हैं कि भाई नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि बांग्लादेश में क्या था, यहाँ पे बंगाली पॉपुलेशन ज्यादा थी, मुस्लिम बंगाली थे और इनकी लैंग्वेज भी अलग थी, वेस्ट से अगर हम देखें तो वेस्ट पाकिस्तान जो है उससे लैंग्वेज अलग थी, इनका कल्चर अलग था, तो ये क्या बांग्लादेश के जो लोग हैं उनको एज अ सेकेंड सिटीजन ट्रीट किया जाता था। सेकेंड सिटीजन से मतलब है डोमिनेंस किसका है, जो वेस्ट पाकिस्तान वाले हैं। देखिए जब भी पावर का अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करते हैं कहीं पे भी हो तो ऑब्वियसली बात है एक डिस्क्रिमिनेशन वाली फीलिंग आ जाती है। आपके घर में कोई भी रिसोर्सेज है, अगर आपको एक्सेस नहीं है, आपके सिबलिंग्स को है, देन यू विल फील लाइक योर पेरेंट्स आर डूइंग डिस्क्रिमिनेटिंग अमोंग यू नो सिबलिंग्स। Now let's see, 1971 में इंडिपेंडेंट कंट्री, अब ये जो है यहाँ पे डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो है वो लीड करते हैं, बड़ा हल्ला गुल्ला करते हैं, हल्ला गुल्ला से मेरा मतलब है बहुत बड़ा आंदोलन लीड करते हैं और कहते हैं कि भाई हमको तो अलग होना है, और ये जो आंदोलन होता है मूवमेंट के लिए, डेमोक्रेसी मूवमेंट के लिए, इसमें इंडिया भी इनका साथ देता है। सो इंडिया इनका साथ देता है, फाइनली पाकिस्तान जो यानी कि जो वेस्ट पाकिस्तान की जो आर्मी है वो हार जाती है और ये जो है 1971 में इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाती है बांग्लादेश। अब क्या होता है, शेख मुजीबुर रहमान यहाँ पे इलेक्ट होते हैं और ये बन जाते हैं क्या यहाँ के प्रेसिडेंट। अब देखिए दिक्कत क्या हुई यहाँ पे, इन्होंने क्या किया, जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसको प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कन्वर्ट कर लिया, चेंज कर लिया कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करके, किसने, शेख मुजीबुर रहमान ने, और सभी पार्टी को सस्पेंड कर दिया, लाइक सभी पार्टी एक्सेप्ट जो उनकी थी, उनकी पार्टी कौन सी थी, क्वामी लीग, उसको रहने दिया, बाकी सभी पार्टी को जो है वो सस्पेंड कर देते हैं। अब इस सिचुएशन में ऑब्वियस सी बात है एक डिस्क्रिमिनेशन वाली फीलिंग जो है लोगों में कहीं ना कहीं जनरेट हो रही थी और एक टाइम के बाद ये चीज इतनी बड़ी हो जाती है कि इनको एसोसिनेट कर दिया जाता है अगस्त 1975 में। सो शेख मुजीबुर रहमान का किस्सा खत्म 1975 में। नेक्स्ट वी हैव जियाउर रहमान बॉर्न इन 1979। अब दूसरे भाई जनरल दूसरे जनरल आते हैं यहाँ पे, ये इलेक्टेड नहीं थे, जियाउर रहमान आते हैं इलेक्शन करके। अब भाई दूसरे जो है यहाँ पे लीडर आते हैं वो थे जियाउर रहमान बॉर्न इन 1979। ये 1979 में आते हैं, डेमोक्रेटिकली इलेक्ट होते हैं उसके बाद आते हैं, बट फिर भी इनका जो है एसिसिनेशन कर दिया जाता है। इनके बाद आते हैं जनरल H.M. इरशद और इनकी भी सरकार जो है वो गिर जाती है 1990 में। एज यू कैन सी दैट ये जनरल थे, कहीं ना कहीं इन्होंने जो है तानाशाही कट की, डिक्टेटरशिप टाइप की गवर्नमेंट चलाने की कोशिश की होगी, इसकी वजह से इनको स्टेप डाउन करना पड़ा, स्टेप डाउन यानी कि इनकी सरकार गिर जाती है। सो 1990 में इनका किस्सा भी खत्म। फिर यहाँ पे फ्रेश इलेक्शन होते हैं जो कि होते हैं 1991 में। नाउ व्हाट यू नीड टू सी इज यहाँ पे जो अनस्टेबिलिटी आई और यहाँ जो अनस्टेबिलिटी आई ये अभी भी स्टेबल नहीं हो पाई, बट बांग्लादेश में आप देखिए 1971 से लेके 1991 तक यानी कि 20 साल तक अनस्टेबिलिटी रही, बट उसके बाद जो है स्टेबिलिटी आ गई, अब ये जो है मतलब एकदम हैप्पी कंट्री है, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है। सो इनके जनरल के नाम याद रखना, कब जनरल आए, कब प्राइम मिनिस्टर आए, कब जो है प्रेसिडेंट आए, किसने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को चेंज किया था प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, और वो थे शेख मुजीबुर रहमान। नेक्स्ट वी हैव नेपालो। सो नेपाल का किस्सा बहुत सिंपल है, नेपाल के बारे में आपने क्लास 9 की सिविक्स, क्लास 10 की सिविक्स में भी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो मैं आपको स्टोरी बताती हूँ। यहाँ जो लड़ाई थी, लड़ाई यानी कि जो डेमोक्रेसी के लिए मूवमेंट थे, वो तीन के बीच में हो रहे थे, माओइस्ट, डेमोक्रेट्स एंड किंग, क्योंकि यहाँ पे जो है मुनाकी रही है हमेशा से, राजा रहा है। 1990 में लोग बहुत ही ज्यादा एजिटेट करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं दैट वी वांट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, वी वांट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, एंड फाइनली जो किंग है, किंग का नाम था वीरेंद्र, जो कि मान जाते हैं कि हाँ भाई हम आपको थोड़ी सी ऑटोनॉमी देने को तैयार है, ऑटोनॉमी से मतलब है थोड़ी सी छूट देने को तैयार है, तो एक पूरी तरीके से
डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं, बट काफी हद तक जो है कुछ छूट दे दी जाती है, हम कह सकते हैं इलेक्शन में पार्टिसिपेशन बाकी लोगों को दिया जाता है। अब 1990 के बाद जो है क्या होता है, लोगों में फिर से एक डिससेटिस्फेक्शन, या जो चीजें दी गई थी वो इनफ नहीं थी, सो फिर से एक तरह का आंदोलन शुरू होता है 2001 में शुरू होता है। और इस वक्त क्या था, ना केवल ये बल्कि जो डेमोक्रेट्स थे, यानी कि जो चाहते थे कि भाई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉर्म हो, और माओइस्ट, माओइस्ट मतलब जो माओ नेता थे, एक लीडर का नाम है माओ, चीन के थे, यानी कि चाइना के एक लीडर थे माओ, उनकी जो आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं उनको कहते हैं माओइस्ट। और माओइस्ट जो है वो नेपाल में बहुत ज़्यादा एक्टिव है, यू नीड टू कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड। सो इन दोनों ने मिलके जो है किंग के खिलाफ एजिटेट किया। अब क्या होता है, मिस्टीरियस वे में जो किंग वीरेंद्र थे उनकी डेथ हो जाती है, ना केवल उनकी बल्कि उनकी फैमिली की, यानी कि उनकी वाइफ, उनके चिल्ड्रन सबकी डेथ हो जाती है। अब इस वक्त क्या था, पूरा नेपाल जो है वो कमजोर पड़ गया था क्योंकि राजा एकदम से चला गया। अब इसका फायदा उठाते हुए किंग वीरेंद्र के जो छोटे भाई थे जिनका नाम था ज्ञानेंद्र, उन्होंने क्या किया कि पूरी जो सत्ता है, जो पॉलिटिकल पावर है वो अपने हाथ में ले ली, और जो डेमोक्रेसी है उसको कहा भाई बाढ़ में जाओ, हटा दी सब कुछ। सो 2002 में हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे सब कुछ किसके पास चला गया, किंग ज्ञानेंद्र के पास। इन्होंने धीरे धीरे ये काम किया, एकदम से नहीं सब कुछ हाथ में लिया, धीरे धीरे किया। अब लोगों को रियलाइज हुआ यार, मतलब हम एक राजा के दुख से तो निकले, इसने क्या कर दिया, ज्ञानेंद्र राजा ने क्या कर दिया। फिर जब ये लोग निकले, फिर माओइस्ट डेमोक्रेट साथ मिलते हैं, और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी सब साथ आती है, और ये बनाती है SPA, सेवन पार्टी अलायंस। सेवन पार्टी अलायंस यानी कि सात पार्टी जो है वो साथ आती हैं और एजिटेट करती है, प्रोटेस्ट करती है। इन्होंने बहुत अच्छा लीड किया, और 2006 में नेपाल जो है एकदम फुल्ली डेमोक्रेटिक कंट्री बन जाता है। सो नेपाल में इस तरह से डेमोक्रेसी जो है वो स्टैब्लिश हुई। नाउ आपने 11th की अपनी पॉल साइंस पढ़ी होगी, तो 11th की पॉल साइंस में साफ साफ दिया गया है कि नेपाल का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कितनी बार बना। एक तो 1948 में बना था, फिर 52 में आया था, 59 में आया था, फिर एक जो है 62 में आया था, फिर इस तरह से बहुत बार जो है इसका कॉन्स्टिट्यूशन आया। फाइनली जो है अगर आप इंटरनेट पे सर्च करोगे तो 2015 में रीसेंट इसका कॉन्स्टिट्यूशन बना है। सो ये सारी चीज़ें बड़ी अच्छी लेसन सिखाती हैं दैट इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे बड़े समझदार थे। भाई इंडिया को इतने साल हो गए हैं, ना तो हमारे यहाँ कोई ऐसी अनस्टेबिलिटी आई, ना ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बदला, थैंक गॉड ऐसा कभी हो भी ना। सो नेपाल का स्ट्रगल डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करने का कुछ इस तरह का था। नेक्स्ट वी हैव श्रीलंका। ओके, श्रीलंका बहुत ही छोटी सी कंट्री। अच्छा एक क्वेश्चन पूछती हूँ मैं आपसे, जो आपने इंडिया का मैप देखा होगा कुछ इस तरह से, अभी ना माइंड मत करो फिगर मेरा, केवल मैं यहाँ पे ऐसे बना रही हूँ, ये हमारा इंडिया है जस्ट सपोज। वैसे बहुत सुंदर बना है मुझे ही पता है, और ये श्रीलंका है। क्यों जब भी आप इंडिया का मैप ड्रॉ करते हो तो श्रीलंका को भी शो करते हो, हम उसमें नेपाल शो क्यों नहीं करते हैं, हम उसमें पाकिस्तान शो क्यों नहीं करते हैं। बट कभी भी आप इंडिया का मैप देख लो, श्रीलंका आपको देंगे ही देंगे। इसका आंसर ये है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास अंडमान निकोबार्स एंड लक्षद्वीप भी हैं, ये आइलैंड जो कि यहाँ पे लोकेटेड है। अब हम ऐसा कैसे कर सकते हैं कि हम इनको तो दिखाएं और श्रीलंका को अवॉइड कर दें। इट मीन्स दैट जो भी स्टूडेंट पढ़ रहा होगा, जो भी इस मैप को देख रहा होगा, उसको तो यही लगेगा ना कि भाई श्रीलंका ही है, मतलब यहाँ पे श्रीलंका है ही नहीं है, कोई और कंट्री नहीं है। यही कारण है कि इसको श्रीलंका को हमेशा जब भी इंडिया का मैप आप लेते हैं तो उसमें श्रीलंका भी लोकेटेड रहता है। हम श्रीलंका की बात करते हैं, श्रीलंका में ना अब ज़्यादा कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है एक्सेप्ट एथनिक कॉन्फ्लिक्ट। एथनिक कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, देखिए रिलीजन, एथनिक एथनिसिटी और क्रीड, इन सब चीज़ों को लेके आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहते होंगे क्योंकि ये वर्ड करते भी हैं। एक्चुअली एथनिसिटी से मेरा मतलब है जब एक जगह पे मान लो 10 रिलीजन के लोग रह रहे हो, बट क्या होगा जब एक ही जगह पे रह रहे हो तो कहीं ना उनके जो कल्चर प्रैक्टिसेस हैं, उनकी जो बिलीफ है, उनके जो थॉट्स हैं वो एक से हो जाते हैं, तो यही जो है एथनिसिटी कहलाती है। एथनिक कॉन्फ्लिक्ट क्या है, अब देखिए श्रीलंका में दो तरह के लोग हैं, एक तो हो गया श्रीलंकन तमिल्स और दूसरे हो गए सिन्हाला। सिन्हाला जो शुरू से
श्रीलंका में ही रहे हो, बट जो श्रीलंकन तमिल्स हैं उनके एंसेस्टर्स इंडिया के थे, एंड इंडिया से जो ब्रिटिश है, ब्रिटिश इनको बॉन्डेड लेबर की तरह ले गए थे और ये बाद में श्रीलंका में ही रह गए. सो ये लोग, ऐसे लोग कहलाते हैं श्रीलंकन तमिल से. अब जो सिन्हालास हैं उनका कहना है, यार मतलब तुम लोग तो यहाँ के हो ही नहीं ना, तुम लोग यहाँ पे हो ही नहीं तो फिर किस हक से रह रहे हो, ना ही तुमको पॉलिटिकल पावर्स मिलेंगी, किसी तरह की पावर्स जो है तुमको नहीं दी जाएंगी. सो हमेशा डिस्क्रिमिनेशन होता है जो श्रीलंकन तमिल्स हैं उनमें. दैट्स व्हाई यहाँ पे जो है सिन्हाला वर्सेस LTTE लिखा है. LTTE से मतलब है लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर ईलम, यानी कि जो इंडियन तमिल, जो श्रीलंकन तमिल से उनके बारे में बात कर रही हूँ. अब देखिए इतना ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट है, इसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पे डेमोक्रेसी तो है बट जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है ना, पावर शेयरिंग है, वो इक्वली नहीं है. अब पावर शेयरिंग इक्वल नहीं है, इसकी वजह से अब ये अपने इंटरेस्ट प्रमोट नहीं कर सकते हैं. मान लो कि जो पार्लियामेंट है उसमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन ना हो किसी स्टेट का. यूपी बहुत बड़ा स्टेट है, यहाँ से जितनी भी सीट्स है लोकसभा के लिए उनका हम परसेंटेज कम कर देते हैं. मान लो केवल जो यूपी की पॉपुलेशन है उसका केवल 10% ही या उसका केवल 2% रिप्रेजेंट करे लोकसभा में, तो ये एकदम अनफेयर होगा. और मान लो सिक्किम जो कि इतनी छोटा सा स्टेट है उसका रिप्रेजेंटेशन हम 100% कर दें, वहां से हम जो है 20 रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट कर ले, तो ये तो एकदम अनफेयर हुआ ना. सो यहाँ पे ये अपने इंटरेस्ट प्रमोट नहीं कर पाएंगे. सिन्हाला LTTE का बड़ा टाइम से जो है यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है. LTTE जो कि 1983 में बनाई गई थी जस्ट टू अपोज सिन्हालास, एंड फिर जो है यहाँ पे बहुत भयंकर लड़ाई होती है. इंडिया की मदद मांगता है श्रीलंका, क्योंकि जो तमिल्स है वो कहते हैं कि भाई हम इंडिया के रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो इंडियन गवर्नमेंट से मदद मांगते हैं. और इंडियन गवर्नमेंट से भी नहीं रहा जाता है, चाहे वो इंडियन गवर्नमेंट हो या फिर इंडिया के सिटीजन्स हो, कि तमिल्स को जब वो मरता हुआ देखे श्रीलंका में तो कहीं ना कहीं उनको भी लगेगा कि भाई हमें कुछ करना चाहिए. तो इंडिया से एक इंडियन पीस कीपिंग फोर्स जो है वो 1969 में यहाँ पे भेजी गई थी. क्यों भेजी गई थी? क्योंकि इनका जो डिस्प्यूट है सिन्हाला और LTTE का, इसको रिसॉल्व कर दिया जाए. हाउएवर ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, बल्कि श्रीलंका जो सिन्हाला है वो ये ब्लेम करते हैं, व्हाई इंडिया इज इंटरप्टिंग इन आर कंट्री, इट इज आर डिस्प्यूट एंड वी विल जस्ट हैंडल इट, व्हाई यू आर इंटरप्टिंग. सो आपके घर में कोई लड़ाई हो रही हो, पड़ोसी आए, तो ऑब्वियसली आपको बुरा लगेगा, आप कहोगे भाई हमारा मैटर है हम सुलझा लेंगे, तुम जाओ. सो वही कुछ यहाँ पे हुआ. फिर फाइनली जो है ये जो इंडियन पीस कीपिंग फोर्स है इसको 1989 में विथड्रॉल कर लिया गया विदाउट अटेंडिंग इट्स ऑब्जेक्ट. इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि भाई हमें यहाँ पे शांति लानी है. सो यहाँ पे इंडिया की वजह से और अशांति फैल रही थी, इसकी वजह से इसको निकाल लिया गया. डिस्पाइट ऑल दीज फैक्टर्स श्रीलंका ने साउथ एशियन कंट्रीज में अगर हम कंपेयर करेंगे 7 कंट्रीज बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है. इसकी जो इकोनमी है दैट इज फार बेटर देन इंडिया. इंडिया आप सोचिए कि भाई कितनी बड़ी कंट्री है, फिर भी श्रीलंका इतनी छोटी कंट्री होने के बावजूद इसने इतना अच्छा परफॉर्म किया है. नॉट ओनली दिस, श्रीलंका इज वन ऑफ द फास्टेस्ट डेवलपिंग कंट्री जिसने अपनी जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है उस पर भी काबू कर लिया है, जो कि बहुत बड़ी बात है. इंडिया को ये चीज़ जो है वो श्रीलंका से सीखने की ज़रूरत है. अब श्रीलंका में ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसको रिसॉल्व करने के लिए काफ़ी सारी कंट्री जैसे कि इन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, नॉर्वे, आइसलैंड, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा कोशिश की है कि भाई सब कुछ स्टेबलाइज हो जाए. लेट्स सी, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट अभी भी रिसॉल्व नहीं हुआ है श्रीलंका में. सो डेमोक्रेसी तो यहाँ पे एक्चुअल थी बट पावर शेयरिंग नहीं थी. सो ये जो है श्रीलंका थोड़ा एक्सेप्शन हो जाता है बाकी कंट्रीज से. अगर हम देखें, आई थिंक आई हैवंट रोट डाउन अबाउट भूटान, क्योंकि भूटान का कुछ ऐसा है नहीं कि यहाँ पे डेमोक्रेसी किस तरह से इस्टेब्लिश हुई. और नॉर वी डिस्कस अबाउट द मालदीव्स. वेल, यहाँ पे भूटान के बारे में ज़्यादा कुछ डिस्कस करने के लिए है नहीं, तो हम यहाँ पे मालदीव्स के बारे में देख लेते हैं, जो कि मैंने पॉइंट यहाँ पे नहीं लिखा. मालदीव्स जो है वो 1968 तक एक सल्तनत कंट्री थी, बाद में ये आज़ाद होती है. 2005 में यहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आती है और मल्टी पार्टी सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है. MDP यानी कि मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी डोमिनेट करती है पॉलिटिकल अफेयर्स को, और कंडीशन जो है यहाँ पे
अभी अच्छी चल रही है. सो यहाँ पे कोई ऐसा मेजर प्रॉब्लम नहीं है. एक्चुअली इसके बारे में ज़्यादा आपको लिखना नहीं है, यानी कि अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं दैट्स रियली ग्रेट, यू मस्ट आई थिंक. बट बुक में जो है इसके बारे में नहीं है, ज़्यादा फोकस जो है वो पाकिस्तान, श्रीलंका एंड नेपाल की डेमोक्रेटिक कंडीशन पे किया गया है. नेक्स्ट वी हैव इज इंडो पाक कॉन्फ्लिक्ट, विच इज माई फेवरेट टॉपिक. सो इंडो पाक कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात करते हैं, भाई इंडिया और पाकिस्तान इतना लड़ते क्यों हैं. मेनली वी हैव थ्री रीजन्स. फर्स्ट वन इज इंडिया और पाकिस्तान के भाई युद्ध हो चुके हैं. एक तो 1947 से लेके 48 में हुआ था, फिर एक जो युद्ध है वो 1962 में हुआ था, फिर एक कारगिल युद्ध भी हुआ था, सॉरी 1962 में इंडिया का चाइना से वॉर हुआ था, इंडो साइनो वॉर. सो सॉरी साइनो इंडो वॉर. मेनली यहाँ पे थ्री रीजन्स है. पहला तो कश्मीर को लेके, दूसरा वाटर डिस्प्यूट, एंड तीसरा हम न्यूक्लियर स्ट्रगल भी बोल सकते हैं, न्यूक्लियर पावर स्ट्रगल भी बोल सकते हैं. सो फर्स्ट इंडिया के कई सारे जो है पाकिस्तान के साथ युद्ध हो चुके हैं 1947 से लेके 48 का ले लो, चाहे आप 1965 का ले लो, या फिर आप जो है जब बांग्लादेश क्राइसिस हुआ था 1971, क्योंकि उसमें इंडिया भी इन्वॉल्व था तो वो भी आप इंक्लूड कर सकते हो. उसके बाद कारगिल युद्ध हुआ, उसको भी आप शामिल कर लो 1999 में. सो ये सारी चीज़ें जो हैं वो लड़ाई का कारण है. और सबसे बड़ा कारण है कश्मीर, भाई कश्मीर. इसके वजह से जब 1947 और 48 में जो वॉर हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो कुछ जो पोर्शन था वो कश्मीर का वो पाकिस्तान के पास चला गया था. अब जो हमारा कश्मीर है और जो पाकिस्तान में कश्मीर में, जो पाकिस्तान में कश्मीर है उसको डिवाइड जो लाइन करती है उसको कहते हैं हम LOC. LOC यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल. अरे भाई ये तो भी ब्रेकिंग न्यूज में बना रहता है. LOC के पार हुई गोलीबारी, LOC के पार जो है हमारे सैनिकों ने मारे 6 आतंकवादी, समथिंग लाइक दिस. सो ब्रेकिंग न्यूज तो बना ही रहता है. LOC लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि इंडिया का कश्मीर और पाकिस्तान का जो कश्मीर है वो ये LOC लाइन डिवाइड करती है, लाइन ऑफ कंट्रोल. अब ये तो हो गया एक कारण. दूसरा उस साइड का जो कश्मीर, उसको आज़ाद कश्मीर बोलते हैं, जो कि हमने हमारे सेकेंड बुक के 4th चैप्टर में डिस्कस किया था. आपने वीडियो देख लिया होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा तो अभी जाके देखना. सो एक तो ये हो गया. दूसरा है इंडस वाटर ट्रीटी, मतलब वाटर के पीछे भी हुआ, वाटर डिस्प्यूट भी हुआ. आपको बताया था अयूब खान और जो हमारे यहाँ के PM है, इनके बीच में एक ट्रीटी साइन हुई थी 1960 में. 1960 में कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उस वक्त. एंड बाद में एक तश्कंद एग्रीमेंट साइन होता है जो कि लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान के बीच ही होता है. सो ये कारण हो गया. दूसरा जो है अब पावर स्ट्रगल भी है, न्यूक्लियर पावर स्ट्रगल. न्यूक्लियर पावर स्ट्रगल कैसे? अब इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया 1998 में पोखरण में. इसको देखते हुए पाकिस्तान ने भी अपना नेक्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया 1999 में चगाई हिल्स में. सो ये क्या दिखाता है? कंपटीशन चल रहा था इनडायरेक्टली कि भाई इंडिया ने किया है तो पाकिस्तान दिखा दे, भाई हम भी कम नहीं है, हमने भी अपना न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया. आप देखिए दोनों गवर्नमेंट किस तरह से एक दूसरे को ब्लेम करती है इंटरफेरेंस के लिए. हम बात माने पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट कहती है कि ये जो है हमारे यहाँ पे इंटरप्शन करते हैं, हमारे कुछ की एरियाज इनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं. बलूचिस्तान और सिंध में जो अनस्टेबिलिटी है वो इंडिया की वजह से ही है. अब इंडियन गवर्नमेंट क्या ब्लेम करती है? इंडियन गवर्नमेंट कहती है कि जो खालिस्तान मिलिटेंट ग्रुप है, आपको याद होगा इंदिरा गांधी के टाइम पे, यानी कि हम 1984 की बात कर रहे हैं, उस वक्त ये ग्रुप काफी एक्टिव था, तो इसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान के जो टेररिस्टियल ग्रुप थे और जो पाकिस्तान की मिलिट्री थी उसका हाथ था. ना केवल ये, इंडियन गवर्नमेंट ये भी कहती है कि जो नॉर्थ ईस्ट में अनस्टेबिलिटी है और अनस्टेबिलिटी जो एंटी इंडियन कैंपेन जो है वो पाकिस्तान के मिलिट्री इसको जारी करती है, असिस्टेंट देती है, हेल्प करती है ताकि यहाँ पे इंडिया में बगावत हो. नक्सलित मूवमेंट हम बात करें तो पाकिस्तान गवर्नमेंट कहती है कि यहाँ पे हमारे यहाँ जो है नक्सलित मूवमेंट है ये केवल इंडिया की गलती है. सो कुल मिला के ब्लेम्स बहुत सारे हैं. और आई थिंक मुझे हर चैप्टर में जब भी इंडिया और पाकिस्तान की बात आती है मुझे लगता है आई जस्ट नीड टू शट माई माउथ, बिकॉज आप सभी को पता है क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं. तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें इन्वॉल्व हैं. जो वाटर डिस्प्यूट है, हाँ इतना ज़्यादा मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हुआ फिर भी दोनों कंट्रीज ने कॉपरेट किया और
बॉर्डर डिस्प्यूट को जो ट्रीटी है वो इंडस वाटर ट्रीटी साइन की गई. अल्टीमेटली वी कैन से दैट इंडिया जो पाकिस्तान की लड़ाई है विदाउट कम्युनिकेशन उसको सॉल्व नहीं किया जा सकता है. इंडिया जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है उसको कहीं ना कहीं ये देखने की ज़रूरत है कि जो पाकिस्तान में कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, जो टेररिस्टियल एक्टिविटीज़ हो रही है वो खुद रोके, क्योंकि इससे इंडिया को नुकसान तो हो ही रहा है और साथ ही साथ पाकिस्तान को भी हो रहा है. अच्छा, आपको पता होगा पाकिस्तान की कितने स्कूल्स में टेररिस्ट जो है जब चाहे अटैक करते रहते हैं और जाने कितने बच्चों को जो है यूं ही मारते रहते हैं. तो क्या वहाँ की जनता को ये सारा अच्छा लगता होगा? ऑब्वियसली नॉट. कोई नहीं चाहता है कि भाई हमारे यहाँ के लोग मरे. तो फिर क्यों जो है ये इनिशिएटिव नहीं ली जा रही है इन सभी चीज़ों को रोकने के लिए? क्योंकि नुकसान उसमें पाकिस्तान की गवर्नमेंट का भी है. रीज़न यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट वहाँ की कुछ नहीं है, जो कुछ है वो मिलिट्री रूल है, यानी कि जो मिलिट्री है उसके पास सारी की सारी पावर्स है. अच्छा, आपने कभी ये सोचा है इतनी सारी टेररिस्टियल एक्टिविटीज़ होती है, गवर्नमेंट कुछ नहीं कहती है, तो फिर ये जो यूएसए हुआ, यूनाइटेड नेशन हुआ, यूनाइटेड नेशन चलिए हम दरकिनार करते हैं, हम बात करते हैं अमेरिका की, बात करते हैं चाइना की, बात करते हैं, तो ये क्यों जो है पाकिस्तान को नहीं रोकते इन सारी एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए, क्यों फोर्स नहीं डालते? क्योंकि कहीं ना कहीं इनका भी एडवांटेज है. अगर मान लो इंडिया पाकिस्तान में डेमोक्रेसी आ जाती है, इट मीन्स दैट गवर्नमेंट आ गई भाई, अच्छी लोकतांत्रिक सरकार बन गई, इसका मतलब ये है कि जो मिलिट्री है उसके पास पावर ज़्यादा नहीं रहेगी. सबसे ऊपर कौन होगा? गवर्नमेंट. और जो टेररिस्ट है उनके लिए जो गवर्नमेंट की जो पावर्स हैं उनको मैनिपुलेट करना काफ़ी आसान है, और जो न्यूक्लियर वेपन्स है उनको एक्सेस करना भी बहुत आसान है. बट अगर वहाँ पे मिलिट्री रूल रहता है तो टेररिस्ट कभी भी उन न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, जो कि यूएसए, चाइना और बाकी सभी के लिए काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि बाकी किसी और के लिए डेंजर की बात नहीं हुई ना अगर वो न्यूक्लियर वेपन्स एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं टेररिस्ट. सो दीज ऑल आर द रीजंस कि पाकिस्तान में इतनी स्टेबिलिटी है और इंडिया और पाकिस्तान में क्या रिलेशन है, ऑल दीज थिंग्स. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन वी हैव इज इंडिया एंड इट्स अदर नेबर्स. ठीक है, अब हम बात करते हैं इंडिया के अपने नेबर्स के साथ रिलेशन कैसे हैं, आपके अपने पड़ोसी के साथ कैसे हैं. लेट्स स्टार्ट विद बांग्लादेश. बांग्लादेश की बात करते हैं, इंडिया के रिलेशन बांग्लादेश के साथ कैसे हैं. इंडिया के रिलेशन बांग्लादेश की बात करते हैं, यहाँ पे गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर का जो वाटर है उसको लेकर डिस्प्यूट है. तो तीसरी चीज़, इंडियन गवर्नमेंट काफ़ी परेशान है जो इलीगल इमिग्रेंट्स आते हैं बांग्लादेश से, रोहिंग्यंस हुआ, रोहिंग्यन मुस्लिम्स का मुद्दा जो है काफ़ी बड़ा है. तो कंटिन्यूसली डिनाइल करती है बांग्लादेश की गवर्नमेंट कि नहीं भाई हमारे यहाँ के ये लोग नहीं हैं, कहीं और से आ रहे हैं. सो इंडियन गवर्नमेंट का इस बात को लेके भी डिफरेंसेस हैं बांग्लादेश के साथ. अब कहीं ना कहीं बांग्लादेश की गवर्नमेंट जो है वो एंटी इंडियन टेररिस्ट फंडामेंटलिस्ट ग्रुप है इनको सपोर्ट देती है, और इंडिया में जो टेररिस्टियल एक्टिविटीज़ है उनको एक्टिवेट करवाती है, एंटी इंडियन मूवमेंट करवाती है. सो इसको लेके डिफरेंसेस हैं. अब एक और चीज़ जो ऑयल एक्सपोर्ट है, अगर जैसे कि इंडिया को ऑयल एक्सपोर्ट करना है दूसरी कंट्री में, तो एक चगाई हिल्स है बांग्लादेश का, वहीं से रास्ता है. अब इंडिया को वो एक्सेस नहीं देती है बांग्लादेश, और वहीं अब म्यांमार की बात करें तो म्यांमार को वो एक्सेस है. सो ये सारी चीज़ें हैं. अब बांग्लादेश की क्या शिकायत है? बांग्लादेश की शिकायत है कि भाई तुम हमारे यहाँ पे नक्सलित मूवमेंट एक्टिवेट करवाते हो. और दूसरी चीज़, बांग्लादेश गवर्नमेंट की बात करें तो बांग्लादेश गवर्नमेंट कहती है कि जो इंडिया है वो एज अ रीजनल बुली ट्रीट करता है हमको. रीजनल बुली यानी कि भाई इंडिया ही बड़ी कंट्री है. अच्छा देखना, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, श्रीलंका, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, सबकी टेरिटरी देख लो, सबसे बड़ा तो इंडिया ही है ना. तो कहीं ना कहीं इन सभी कंट्रीज को लगता है दैट इंडिया जो है रीजनल बुली की तरह ट्रीट करता है, हम सभी को परेशान करता है, ये बड़ा है इसलिए चाहता है कि भाई हम जो है एक्सेस कर ले तुम्हारी टेरिटरी. सो बांग्लादेश को कुछ इस तरह का फील होता है. नाउ डिस्पाइट ऑल दीज फैक्टर्स, बांग्लादेश और इंडिया में अच्छे रिलेशन भी है. यस, जो लुक ईस्ट पॉलिसी है, लुक ईस्ट पॉलिसी यानी जिसमें टारगेट है कि भाई साउथ एशिया को म्यांमार के थ्रू जो है हम जोड़ेंगे, उसमें दोनों ही कंट्री ने अच्छे से कॉपरेट किया है. बेस्ट अगर बात करूँ तो जो इन्वायरमेंटल इश्यूज़ है उन पे दोनों कंट्रीज मिलके बहुत अच्छा काम कर रही हैं. ना केवल ये, इकोनॉमिक पॉलिसीज जो है उन पे भी एक दूसरी ये जो कंट्रीज है वो अच्छे से तालमेल बिठा रही है, नेगोशिएशन कर रही हैं. सो अल्टीमेटली कहा जाए तो बांग्लादेश से इतने बड़े इश्यूज नहीं है हमारे. हम बात करते हैं नेपाल की. नेपाल और इंडिया, सो नेपाल और इंडिया के भी अच्छे रिलेशन है. कोई
मेजर कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। हाँ भाई, माओइस्ट वाला और नक्सलिट मूवमेंट वाला जरूर है कि भाई नेपाल की सरकार का ये कहना है कि ये जो है हमारे यहाँ नक्सलिट मूवमेंट एक्टिवेट करवाते हैं, और इंडिया की सरकार का कहना है कि भाई ये जो है माओइस्ट जो मूवमेंट है वो हमारे यहाँ करवाते हैं, दैट्स इट। बट इतना बड़ा इशू नहीं है और कोई इम्पोर्टेंट भी नहीं है। नेपाल में आपको पता होगा वीजा नहीं चाहिए होता है। अगर आप किसी भी फॉरेन कंट्री जाते हो तो आपको वीजा चाहिए होता है, परमिशन चाहिए होती है कि हम जा सकते हैं या फिर नहीं। तो यहाँ पे वीजा नहीं चाहिए होता है क्योंकि इंडिया की और नेपाल की ये ट्रीटी साइन है कि हाँ भाई हमारे यहाँ के लोग एक दूसरे के यहाँ आराम से जा सकते हैं। ट्रेड की कन्वीनियंस में देखा जाए तो भाई बहुत ही अच्छे रिलेशन है नेपाल के साथ, हमारा बहुत बड़ा व्यापार होता है। सो कोई ऐसा बड़ा चीज नहीं है। नेपाल, नेपाल की अगर हम बात करें तो नेपाल और इंडिया के रिलेशन जो है वो काफ़ी हद तक अच्छे रहे हैं। फैक्ट अगर जो कॉन्फ्लिक्ट्स है वो इसकी वजह से है। नेपाल जो है वो इंडिया का पड़ोसी तो है ही, साथ ही साथ चाइना का पड़ोसी भी है। तो अगर चाइना कभी नेपाल की मदद करते हैं या नेपाल चाइना की मदद करता है तो इंडिया को बुरा लगता है, इंडियन गवर्नमेंट को, दैट वी आर योर नेबर्स, दैट वाई यू आर हेल्पिंग चाइना। सो ये जो है इस तरह का डिसप्लेजर है। और आपको पता होगा नेपाल में जाने के लिए आपको वीज़ा नहीं चाहिए होता है क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट और जो नेपाली गवर्नमेंट है उनके बीच में ये ट्रीटी साइन है कि भाई हाँ हमारे यहाँ के लोग वर्क के पर्पज से एक दूसरे के आराम से जा सकते हैं, वी डोंट नीड एनी वीज़ा। सो ये उस ट्रीटी की वजह से ही है। और चीज़ें अगर हम बात करें तो नेपाल बड़ा अनहैप्पी रहता है इंडिया से, दैट वाई यू आर इंटरफेयरिंग इन आवर मैटर्स। जो नक्सलित मूवमेंट है वो यहाँ पे एक्टिव है और इंडियन गवर्नमेंट की कंप्लेन है जो तुम्हारे यहाँ के माओइस्ट मूवमेंट है वो हमारे यहाँ क्यों करवा रहे हो। सो नेपाल की जो भी कोई हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लान हुआ या फिर कोई भी चीज़ हुई, इसमें हर मामले में इंडिया जो है इंटरफेयर करता है, एंड ये जो चीज़ है वो यहाँ के लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं है। बार बार इंटरप्शन, बार बार इंटरवेंशन जो इंडिया का बिल्कुल भी पसंद नहीं है। डिस्पाइट ऑल दीज फैक्टर्स दे हैव कोऑपरेटेड अ लॉट सच एज इन अ साइंटिफिक पर्पस, और इन द एनवायरमेंटल इश्यूज हुआ और जो इंटरलॉकिंग, क्योंकि देखना नेपाल जो है उसको कहीं से भी एक्सेस नहीं है सी का, और अगर उसको चाहिए भी एक्सेस तो उसको इंडिया से होते हुए आना होगा। सो इस मामले में भी नेपाल अनहैप्पी रहता है दैट कि भाई हमें आसानी से जाने दो, इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट क्यों करते हो। वी कैन से दैट कंसोलिडेशन ऑफ अ डेमोक्रेसी विल लीड टू गुड कोऑपरेशन अमंग दीज कंट्रीज, मीन्स बिटवीन दीज कंट्रीज। नेक्स्ट वी हैव इज श्रीलंका। ओके, सो ऑब्वियसली बात है सिन्हालास जो है वो इंडिया से अनहैप्पी रहेंगे ही रहेंगे कि हमारा मैटर है हम रिसॉल्व कर लेंगे, वाई यू आर इंटरवेनिंग अगेन एंड अगेन। सो ये चीज़ उनको अच्छी नहीं लगती है। इंडिया ने अपनी जो पीस कीपिंग फोर्स भेजी थी, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, जिसको उसने विड्रॉ भी कर लिया था 1989 में, सो अब थोड़ी शांति हो गई। अगर इंडिया विड्रॉ नहीं करता तो हम कह सकते थे इंडिया और श्रीलंका के रिलेशन जो है वो बिगड़ जाते, बट अब संभल गए हैं क्योंकि इंडिया ने पीछे कर लिया है। इंडिया और श्रीलंका ने काफ़ी ज़्यादा कॉपरेट किया है। सो डिसएंगेजमेंट इन इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ श्रीलंका मेड श्रीलंका इज़ वेरी हैप्पी, एंड अब वो इंडिया से खुश हैं। इंडिया और श्रीलंका में ट्रीटी भी साइन हुई है ताकि ये दोनों पास आ सके, रिलेशन इनके अच्छे हो सके। पोस्ट रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सुनामी की बात करें तो इन मैटर्स में दोनों ही कंट्री आगे आई हैं। सो अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो इनसे भी रिलेशन हमारे अच्छे ही हैं। अब हम बात करते हैं भूटान की। भूटान के साथ इंडिया के स्पेशल रिलेशन है क्योंकि कोई ऐसा मेजर कॉन्फ्लिक्ट है ही नहीं, और अगर कॉन्फ्लिक्ट है भी तो जो भूटान के मुनाकी हैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉपरेट कर रहे हैं, जैसे कि गोरिल्ला वॉल जो कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। सो इन ग्रुप्स को, गोरिल्ला जो ग्रुप्स है इनको इनएक्टिवेट करने की पूरी कोशिश की जा रही है भूटानी जो मुनाकी है उनके द्वारा। सो इन दिस वे वी हैव स्पेशल रिलेशन विद भूटान। एट द सेम टाइम भूटान में कई जो बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट है उनमें इंडिया का पार्टिसिपेशन है और इंडिया काफ़ी मेजर रोल जो है उनमें प्ले कर रहा है। नेक्स्ट वे हैव मालदीव्स। मालदीव्स की इंडिया ने मदद की थी जब वो मुसीबत में था, जब श्रीलंका की जो मर्सनरीज हैं वो मालदीव्स में अटैक करने वाली थी, तब इंडिया ने मालदीव्स की मदद की थी और श्रीलंका की जो मर्सनरीज थी उनको वापस भेज दिया गया था। तो इन दिस वे बोथ कंट्रीज कोऑपरेटेड, जस्ट बिकॉज मालदीव्स ने हेल्प मांगी थी इंडिया जो है इंडिया ने हेल्प की। सो दोनों ही कंट्री ने टूरिज्म में हुआ, इकोनॉमिक के स्फेयर में हुआ काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेट किया है।
यहाँ पे हम सारी कंट्रीज से रिलेशन देख चुके हैं, नेपाल से देख लिया, पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, इंडिया, भूटान एंड बांग्लादेश. अल्टीमेटली व्हाट वी गेट टू नो दिस दैट इंडिया के सभी के साथ, नेबर्स के साथ अच्छे रिलेशन है एक्सेप्ट वन, दैट इज पाकिस्तान, बट स्टिल वी आर कोऑपरेटिंग. सो ये भी पता चलता है कि ये जो कंट्रीज हैं वो इंडिया को कहीं ना कहीं रीजनल बुली की तरह देखती है, उनको डर लगता है, इस बात का डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो इंडिया जो है यहाँ पे डोमिनेट करने लगे. क्योंकि साउथ एशिया में तो केवल 7 कंट्रीज है ना, और 7 कंट्रीज में अगर सबसे ज्यादा पावरफुल की बात करें तो केवल इंडिया, इसमें कोई शक नहीं है. पॉपुलेशन भी बड़ी है, साइज भी बड़ा है, तो इनको एक्सेशन का डर लगा रहता है. इसकी वजह से जो कॉन्फ्लिक्ट है केवल वही है, और मेजर कॉन्फ्लिक्ट पाकिस्तान के साथ ही है, बाकी किसी और कंट्री के साथ नहीं है. ये तो हो गया जो आसपास की कंट्रीज है उनको डर है, बट इंडिया को क्या इन सभी से डर है? इंडिया को ये डर है कि भाई हम ही बड़े हैं, इसकी वजह से जितने भी माइग्रेशन होते हैं वो सब हमारे तरफ ही होते हैं. अब जो देखना, बांग्लादेश से इलीगल इमिग्रेंट्स आते हैं, भूटान से आ रहे हैं, भूटान से नहीं, पाकिस्तान से टेररिस्टल एक्टिविटीज हो रही है, तो इंडिया इस मामले में बड़ा बेबस्सा हो जाता है, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है ना. जो रोहिंग्यन मुस्लिम्स आ रहे हैं, समझ रही है, अभी तक लाखों रोहिंग्यन मुस्लिम्स आ गए, उनका कोई अता पता नहीं है कि किसको कहाँ भेजा जाए. बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने साफ साफ रिफ्यूज कर दिया, ये हमारे यहाँ के सिटीजन हैं ही नहीं. तो फिर इंडिया को तो इन सभी का बोझ जो है वो ढोना पड़ेगा. इनफैक्ट जब 1971 में बांग्लादेश क्राइसिस हुआ था, तो बांग्लादेश से कई सारे रेफ्यूजीज जो है वो इंडिया आए थे. सो अब इंडिया आए थे, इंडिया में इन्होंने शरण ली थी, इंडियन गवर्नमेंट भगा भी नहीं पाई, और आज भी ये यहाँ पे है. सो रिसोर्सेस पे ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है ना इंडिया के लिए. द नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग इज पीस एंड कॉपरेशन. पीस एंड कॉपरेशन, अब भाई इतनी कंट्रीज हैं तो कोई ना कोई ऐसी फोरम होनी चाहिए, कोई ना कोई ऐसी कॉपरेशन होनी चाहिए कि जिसमें ये सभी लोग मिल के डिसीजन लेते हो. सो देन ऑब्वियसली वी हैव वन इज सार्क. जितने भी साउथ एशियन जो कंट्रीज है, यहाँ पे 7 है, इन्होंने एक कॉपरेशन बनाई है, दैट इज सार्क. सार्क का मतलब है एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन रीजनल कॉपरेशन, यानी कि एक रीजनल कॉपरेशन है, इनका एसोसिएशन है जिसमें ये सारी कंट्रीज जो है वो कॉपरेट करती हैं. जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए उनको कम करने की कोशिश की, साथ ही साथ इन्होंने फ्री ट्रेड एरियाज बनाने की भी कोशिश की. और इसके लिए सार्क की जो कंट्रीज है इन्होंने साफ्टा साइन किया है. साफ्टा यानी कि साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट. सो साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जिसमें जिसने भी ये साइन किया है, इसका मतलब है कि जितनी भी साउथ एशियन कंट्रीज हैं इनको आसानी से यहाँ पे एक्सेस दी जाएगी कि भाई हाँ आप अपना यहाँ पे बिजनेस कर सकते हो, मतलब ट्रेड कर सकते हो, और टैरिफ जो है उनको कम कर दिया जाएगा. सी व्हेन एवर आई से फ्री ट्रेड, इसका मतलब ये नहीं है कोई भी इन पर टैक्स नहीं लगेगा, ये हो जाएगा इजियर एक्सेस हो गई. अगर आपको लाइन में 10 लोगों के पीछे लगना है तो फिर ये आपके लिए सहूलियत की जा सकती है कि आप 5th पे आ जाओ, दैट्स इट. लेकिन लगना आपको फिर भी पड़ेगा. सो ये जो है कुछ इनिशिएटिव इसके द्वारा ली गई है, सार्क मेंबर्स के द्वारा. हाउएवर सार्क जो है इतना सक्सेसफुल नहीं रहा है पीस एस्टैब्लिश करने के लिए. कई सारे लोगों का ये भी मानना है जो साफ्टा है ये छोटी छोटी इकोनॉमीज को तो चांसेस देगा, जैसे कि हम बात करें भूटान हुआ, हमारा श्रीलंका हुआ, मालदीव, नेपाल, इनको तो एक्सेस दे ही रहा है, इनकी इकोनॉमी को तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प रहेगी, भाई ये कहीं पे भी अपना बिजनेस कर सकती है, कहीं पे भी अपना ट्रेड कर सकती है. बट इंडिया के लिए ये वे है, क्योंकि इंडिया ऑलरेडी बहुत बड़ी कंट्री है और इसको अगर आप एक्सेस देते हो, यानी कि इन सभी कंट्रीज के मार्केट पे, तो इंडिया अपना कब्जा जमा लेगी, और कब्जा जमाने का मतलब है आसानी से छोड़ेगी नहीं. सो ये डर कहीं ना कहीं सार्क मेंबर्स में है. अब आप क्या सोच रहे हैं कि भाई जो साउथ एशिया है इसमें केवल इन 7 कंट्रीज का रोल है, क्या कोई और कंट्री इसमें रोल प्ले नहीं करती होगी? ऑब्वियसली करती है. चाइना एंड अमेरिका बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट कंट्रीज. सो ये जो रीजनल फोरम है ना, इनमें क्या होता है, जैसे कि अगर मान लो USA को ट्रेड करना है, यहाँ पे वो अपना मार्केट अच्छा मिल रहा है उसको, यहाँ पे उसको अपने कंज्यूमर्स मिल रहे हैं, तो वो क्या करेगा, डायरेक्ट सार्क से
अपना एक एग्रीमेंट साइन करवा लेगा कि भाई हमें यहाँ पे अपना ट्रेड करना है। इससे क्या होगा, सभी जो सातों कंट्रीज है उसको यहाँ पे एक्सेस मिल जाएगी। अदरवाइज इसके पास एक और चांस है कि डायरेक्ट इंडिया के पास जाए, इंडिया में इसको अपना ट्रेड करना है तो उससे डील करे, इंडियन गवर्नमेंट से डील करे, या फिर डायरेक्ट जो है यहाँ पे सार्क मेंबर से कॉन्टैक्ट करे। सो ये इसकी चॉइस है। सो यूएसए के लिए, चाइना के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए पाकिस्तान जो है चाइना का, चाइना की तरफ ओरिएंटेशन है उसका, क्योंकि चाइना उसकी हेल्प करता है। यूएसए का ओरिएंटेशन पहले पाकिस्तान की तरफ था, बट आफ्टर कोल्ड वॉर जो स्थिति काफ़ी अच्छी हो गई है, अब यूएसए दोनों का फ्रेंड है, पाकिस्तान का भी है और इंडिया का भी है। तो दोनों में ही वो अपनी अपॉर्चुनिटी देखता है कि भाई यहाँ पे भी हमें मार्केट मिल रहा है, यहाँ पे भी मार्केट मिल रहा है, देन वो चाहेगा कि भाई दोनों से हमारे अच्छे रिलेशन रहे। पीस एंड कोऑपरेशन कुल मिला के इसलिए बनाए जाते हैं, आसपास जो है शांति बनी रहे, और इसमें जितने भी एमिनेंट लीडर्स हैं, स्पीकर्स हुए, वॉलेंटियर्स हुए, सोशलिस्ट हुए, मतलब जो भी बड़े बड़े सोशलिस्ट मूवमेंट, आई मीन जैसे सोशलिस्ट एक्टिविस्ट जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, और जितने भी ये मूवमेंट कंडक्ट कराते हैं ये सभी इसमें इंक्लूड होते हैं, और जो भी मेजर चेंजेस हो सब इकट्ठे बैठ के जो है डिस्कस करते हैं। इसकी एनुअल मीटिंग भी होती है, अभी हुई थी रिसेंटली। सो साफ्टा कब साइन किया गया था, एक्चुअली 2004 में हुआ था, बट केम इन टू फैक्ट इन 1 February 2006। सो और जो हम सार्क की बात करें तो ये 1987 में एग्जिस्टेंस में आया था। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड ऑल टॉपिक्स। आई होप यू गाइस अंडरस्टूड। आई ट्राइड माई बेस्ट टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी टॉपिक, एंड मैंने, मुझे लगता है कुछ छोड़ा नहीं है, जो जो इम्पोर्टेंट था वो बता दिया। अब आपको टिपिकल भाई कृति तुमने ये लाइन भी नहीं बताई तो फिर वो उसमें कुछ नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कई सारे लोग कॉमेंट करते हैं यार इस तरह के कि आपने ये लाइन तो एक्सप्लेन की ही नहीं है। सो जो इम्पोर्टेंट था मैंने वो बता दिया। ट्राई टू एनालाइज योर सेल्फ कि मैंने क्या चीज़ें यहाँ पे छोड़ी, और एक बार आप खुद जरूर चैप्टर पढ़ा कीजिए वीडियो देखने से पहले। जैसे कि अगर आपने फिफ्थ चैप्टर की वीडियो देख ली, आप सिक्स्थ पढ़ना शुरू कर दो फिर मेरे वीडियो देखना, देन ऑब्वियसली इट विल हेल्प यू अ लॉट, लॉट। यू कैन डू वन थिंग, यू कैन लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स देन जिनको ये चैप्टर समझ में नहीं आया है, क्योंकि मुझे लगता है ये चैप्टर इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जब तक आप पढ़ते नहीं हो तभी तक आपको कोई चीज डिफिकल्ट लगती है। एंड यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विल मीट सून इन अ नेक्स्ट वीडियो। चैप्टर 6 की रीडिंग जरूर कर लेना।